बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने दलितों के घर जला दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एकता यादव। मध्य प्रदेश के विजयपुर में वोटिंग के बाद जमकर बवाल हुआ है। वोट नहीं देने पर कथित रूप से लोगों ने दलित बस्ती के घरों को जला दिया, साथ ही जमकर पत्थरबाजी भी की। आरोप है कि इन लोगों ने बाबा साहिब की भी मूर्ति तोड़ दी। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने किया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात गोटा गांव में दबंगों ने दलित बस्ती में दबंगई दिखाई। इन लोगों ने कई घरों में तोड़फोड़ की, साथ ही झोपड़ी में भी आग लगा दी। इसके साथ ही बिजली के पोल को भी तोड़ दिया, यहां तक ट्रैक्टर से बिजली के खंभे भी उखाड़ दिए। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं हुई है। दरअसल वोटिंग के दौरान भी विजयपुर में खूब हंगामा हुआ है। इस दौरान लोगों ने पीठासीन पदाधिकारी को भी पीट दिया। प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद रखा था। मामला ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी विजयपुर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने इन दोनों को बाहर ही रोक दिया। वहीं आगजनी और पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आग से ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस की टीम आसपास देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक दर्जन से अधिक लोग गांव में घुसे और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस घटना के दौरान गांव में लगी हुई भीम अंबेडकर की मूर्ति भी तोड़ दी। ग्रामीणों का आरोप है कि एक दर्जन से अधिक लोग गांव में घुसे और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस घटना के दौरान बाबा साहिब की मूर्ति के साथ भी छेड़छाड़ की और उसे तोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हम लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, उसी के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन घटना को सिरे से नकार रहा है, जबकि वायरल वीडियो में मौके पर पुलिस की गाड़ियां साफ देखी जा रही है। इसके बावजूद कोई भी अधिकारी इस संबंध में बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा।